नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोनगर के होमगार्ड ग्राउंड में संगीतमय श्रीराम कथा चल रही थी, जिसमें सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लहराई गई। चारों ओर जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे। सीताराम सीताराम साधु जी सीताराम, लगातार लोग बोलने के लिए यहां पर विवश दिखाई दिए। काफी भव्य और दिव्य आयोजन था। संगीतमय श्रीराम कथा सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आए। श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया गया। प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही चली गई। लगभग 2 लाख से अधिक यहां पर आम जनमानस मौजूद था, या यूं कहा जाए श्री राम के भक्त मौजूद थे, जिनके द्वारा इस कथा को सुना गया और लगातार झूमने और नाचने पर लोग विवश नजर आए। भगवान के चरित्रों को सुना, अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। 9 वर्ष था, ऐसे में सभी को श्री हनुमान चालीसा के साथ 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही उन्हें कहा गया कि अपने जीवन में श्री रामचरित को अपनाना होगा, तभी उनका उद्धार हो सकता है। किस तरह से यहाँ पर धर्म की गंगा बही, आइए हम आपको दिखाते हैं। इसलिए भगवान ने मारा। मेरा भाई है दियारा, उपकार कौन सा था जो नाथ मुझको मारा। उपकार कौन सा था जो नाथ मुझको मारा। उपकार कौन सा था जो कथा विराम होने पर भव्य आरती की गई। वहीं दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा सभी से क्षमा भी मांगी गई। उनका कहना कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए वह जिम्मेदार हों और उसके लिए वह क्षमा मांगते हैं, और गुरु जी का आभार भी उनके द्वारा जताया गया। हजारों की तादाद में उमड़ा जनसैलाब, पहली बार इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन देखने को दमोह में मिला है। अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। दमोह जिले में कोई भी सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम इतना बड़ा नहीं हुआ। पहली बार कोई धार्मिक आयोजन इस तरह से हुआ कि 2 लाख से अधिक लोग उसमें सम्मिलित हुए और सभी ने धर्म की डुबकी लगाई है। लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे थे, जय सीताराम के नारे सुनाई दे रहे थे, साधु जी सीताराम के नारे सुनाई दे रहे थे। जिस तरह से आम जनमानस ने इस पावन यज्ञ में शामिल होकर इसे सफल बनाया,
निश्चित रूप से तमो की जनता धन है। गुरुवर के आदेश अनुसार सभी को साधु जी सीताराम राम राम। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। लाखों की